हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन। तो दोस्तों, आज हम ब्लेंडर में स्क्रीन कास्ट कैसे इनेबल करते हैं इसके बारे में जानेंगे। स्क्रीन कास्ट के जरिए दोस्तों, हम लोग अगर कोई भी बटन प्रेस करते हैं अपने कीपैड पे, या फिर माउस को स्क्रॉल बटन प्रेस करते हैं, या लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, तो वो जो है आपके जो 3D व्यू पोर्ट है इस पे दिखता है। यहाँ पे कहीं या यहाँ पे जहीं भी आप दिखा सकते हो। तो कुछ भी बटन प्रेस करोगे दोस्तों, तो स्क्रीन कास्ट के जरिए वो आपको दिखता है जो आपके विंडो के स्क्रीन पे। आप लोग भी ढूंढ रहे होंगे कि यार कैसे इनेबल करते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लेंडर के अंदर इनबिल्ड ये कोई टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो हमें सबसे पहले अलग से एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्रोम पे खोल के रखा हुआ है, आपको ये फाइल जो है डाउनलोड करना है दोस्तों। यहाँ ये जो लिंक है ना, ये लिंक क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट क्लोन एंड डाउनलोड क्लिक करना है। क्लोन एंड डाउनलोड जब आप क्लिक करोगे, ओपन इन डेस्कटॉप और डाउनलोड जिप कर लेते हैं, तो अभी देखो नीचे ये डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली ये है पाथ, ये मैं आपको उसमें दे दूंगा अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप यहाँ से क्लिक करते ही यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे और आप आराम से यहाँ से क्लोन एंड डाउनलोड करके दबा के डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये फाइल अब हो गया डाउनलोड। नया फोल्डर का नाम डाल देते हैं स्क्रीन, ये नाम डाल देते हैं कि कभी भी आप कोई फाइल डिलीट करो तो आपको ये पता रहे कि ये कौन सा फाइल है और कहाँ यूज हो रहा है। अब मैं इसमें इस फाइल को डाल दिया, ठीक है। इसे क्लिक करके लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अभी हम ब्लेंडर में गए। ब्लेंडर में जाने के बाद दोस्तों एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, यहाँ क्लिक करना है एडऑन्स में। एडम्स पे एक बार आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो यहाँ इंस्टॉल का बटन ये जो लिखा हुआ है। एक बार इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर दिया, ये आपको बोलेगा पाथ कि कहाँ पे आपका सेव है। तो आपको पता हो तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो, वरना यहाँ पे डायरेक्ट आप जो मैंने कॉपी किया है पाथ डाल के एंटर करेंगे तो वो आ गया। अब इसको आपको क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल एड ऑन कर देना है। जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखो ये ऐसा लिखा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट शॉर्टकट VUR। तो यहाँ पे आपको एक क्लिक कर देना है, ये एक बार देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ आता है, यहाँ आके आप सेव कर दो, सेव प्रेफरेंस। तो ये यहाँ से कभी आपको हटेगा नहीं, बार बार आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप बंद कर दो। ये होने के बाद आप अपने यहाँ पे एक डायरेक्ट सीधे ही लिखो एन, एन दबाओ अपने स्क्रीन पे। एन दबाने के बाद यहाँ पे देखो शॉर्टकट VUR लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट शॉर्टकट VUR पे क्लिक करो। ये करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, मैंने व्हील को दबाया है अपने माउस के, तो व्हील को जितनी बार दबाया है देखो यहाँ पे आपके राइट कॉर्नर पे यहाँ नीचे आ रहा है। अगर मैं देखो क्यू दबाया, जो भी दबाऊंगा, ई दबाया, आर दबाया, देखो आ रहा है, ठीक है। स्पेस बटन दबाया, स्पेस से तो चलो मेरा वो एक ऑप्शन खुल जाता, लेकिन स्पेस देखा लिखा आ रहा है, तो जो बताओ दबाओगे दोस्तों वो यहाँ आएगा। अब इसमें यहाँ से आप इसको आपको राइट में अगर लेना है तो राइट में ले सकते हो, लेफ्ट में लेना है तो इधर आएगा लेफ्ट में, ठीक है। आपको अगर सेंट्रल में चाहिए तो ये सेंटर पॉइंट पे आएगा, जहां आपको इधर चाहिए उस जगह पे। अगर आप चाहते हो कि कहीं अपने तरीके से इसकी जगह फिक्स करें तो वो भी हो जाएगा। तो अच्छा है, मैं इसको लेफ्ट में ही कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा इजी रहता है लेफ्ट में। और उसके बाद आप इसकी कलर वगैरह भी कर सकते हो चेंज, टेक्स्ट की कलर। अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए, अगर कोई और कलर चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं प्रेस करता हूँ कुछ यहाँ पे हटा के, और यहाँ पे देखो जी कौन सा कलर आया, एक ग्रीन, ये कलर डाला था मैंने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप एन दबाओ और यहाँ से आप साइड हो जाओ। अब आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पे आपके लेफ्ट कॉर्नर में आएगा। ये जो ऊपर के तीन है दोस्तों, ये दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर का, ये आपका माउस का बटन है, ठीक है। लेफ्ट देखो, लेफ्ट क्लिक किया तो व्हाइट कलर का लेफ्ट में आ गया, राइट क्लिक करने से यहाँ पे राइट वाला बटन दब जा रहा है, व्हील कर रहे हैं तो व्हील कर जा रहा है। तो ये माउस है ये ब्लैक कलर का, ठीक है। तो अच्छा है, मजा आएगा। तो दोस्तों जो मैंने प्रोसेस बताया फॉलो करो, आपको बहुत ईजी हो जाएगा फिर समझना, और स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा कि आप क्या बटन दबा रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो बाय बाय।